थैंक गॉड फॉर द टुडे अपॉर्चुनिटीज। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के मौके के लिए। आई वाज लास्ट संडे वी हियर्ड अबाउट द पीस ऑफ गॉड एंड पीस ऑफ फैमिली। तो पिछले रविवार को हमने सुना परमेश्वर की शांति और जो परिवार में होने वाली शांति के विषय में। फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीस ऑफ गॉड। तो पहले मुझे समझना है परमेश्वर की शांति क्या है। सो वी रीड सो द सोर्स ऑफ पीस वी आर गेटिंग फ्रॉम द जीसस क्राइस्ट ओनली। तो हमें पता है यीशु मसीह के द्वारा ही हम जो शांति का स्रोत जो है हम पाते हैं। We cannot produce or we cannot credit something for our righteousness. तो हम किसी चीज का उत्पन्न नहीं कर सकते, कोई चीज बना नहीं सकते हमारी धार्मिकता के लिए। We read John chapter 14 verse 27. हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 27 वचन। I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. यूहन्ना 14 अध्याय इसका 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। So this is what God spoke to me that I cannot manufacture or I cannot produce something the peace of God. तो यही परमेश्वर ने मुझे समझाया कि मैं परमेश्वर की शांति को उत्पन्न नहीं कर सकता, उसे बना नहीं सकता। Also we know that the one of the fruit of Holy Spirit is peace. तो हमें और भी पता है कि आत्मा की फलों में एक जो है वो पवित्र आत्मा में वो है जो शांति है। If I want to give fruit for God, I have to be mingled with the God. तो अगर मुझे परमेश्वर के लिए भलाई देना है तो हमें मुझे जो है परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहना है। Otherwise I cannot give, I cannot bear the fruit. नहीं तो मैं कोई फल नहीं ला पाऊंगा। So we read one more verse from Romans chapter 5 verse 1. फिर और एक वचन पढ़ता हूँ रोमियो की किताब 5 अध्याय उसका पहला वचन। Therefore since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. So जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। So the peace of God will dwell in our heart when we are righteous. तो परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में बसेगा जब हम जो है वो धर्मी रहेंगे तब। And also we know that we cannot inherit any blessing of God through the self righteousness. तो हमें और भी पता है परमेश्वर की जो अनुग्रह है हमारे खुद की धार्मिकता के द्वारा वो हम पा नहीं सकते। Because there is no good dwells in me. क्योंकि कोई भी भली बात मेरे अंदर वास नहीं करती। Also we read in Isaiah that all our righteousness are filthy rag. जैसे हम ऐशिया की किताब में पढ़ते हैं हमारी जो भी धार्मिकता के काम है वो गंदे कपड़े के समान है। The righteousness is coming through the faith on God. तो जो धार्मिकता है वो परमेश्वर के ऊपर जो हमारा विश्वास है उसके द्वारा आता है। That is what we read in Romans chapter 4. तो वही हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 4 अध्याय में। It is mentioned about Abraham. तो यहाँ पे अब्राहम के विषय में लिखा है। He believed in God, so this is considered or credited into his account as righteous. क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा इसीलिए वो उसके धार्मिकता में उसको जोड़ दिया गया। So we know that the source of the peace is coming from Jesus Christ. तो हमें पता है जो शांति का स्रोत है वो यीशु मसीह के द्वारा आता है हमें। So what is the first step I can get the peace in God? तो पहला कदम क्या है जिसके द्वारा मैं परमेश्वर की शांति को पा सकता हूँ? I should believe in God. पहली बात मुझे परमेश्वर पर विश्वास रखना है। I can understand without Holy Spirit, without God's help, I cannot live this holy life. तो मुझे ये समझ में आता है कि पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर की सहायता के बिना एक पवित्र जीवन मैं जी नहीं पाता हूँ। But I can do only one thing. I can believe in God. I can get all the help from God. मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और जो सारी जो सहायता है परमेश्वर से पा सकता हूँ।
Because Abraham, he has not done anything. He has just believed God. तो हम देखते हैं अब्राहम ने कोई भी काम नहीं किए, उन्होंने एक ही काम किया, वो है परमेश्वर पर विश्वास करना. So that is also God is expecting from us also. तो यही परमेश्वर हमसे भी अपेक्षा रखते हैं. So and also I want to read John chapter 16 verse 33. मैं पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना 16 उसका 33. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. यूहन्ना 16 उसका 33. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले. संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. First, I need to find peace in God. पहली बात मुझे परमेश्वर की शांति पानी है. Whatever the sins are separating us, first I need to reconcile. I have to confess. I have to come to God, and I have to be peace with God. जो कुछ भी पाप मुझे परमेश्वर से अलग करता है, वो मुझे परमेश्वर के सामने आकर अंगीकार कर उससे पश्चाताप कर उसको त्याग कर परमेश्वर के साथ मुझे मेल करना है पहले. And also Jesus mentioned that in the Christian life, it is not a picnic or it is a very comfortable life. परमेश्वर कहते हैं जब हम जैसे कहते हैं कि मसीही जीवन एक सुखदायक और एक पिकनिक के जैसा आरामदायक जीवन नहीं है. You will have many trials and sorrows. आपको बहुत सारे परीक्षाएं होंगी और क्लेश भी होंगे. So, as Jesus overcome the world, I should also overcome. जैसे यीशु मसीह ने संसार पर विजय पाया, वैसे मुझे भी विजय पाना है. So that also we know what is overcoming the world. तो हमें पता है कि संसार पर जय पाना क्या है. George also mentioned several times. It is written 1 John 2:16. लिखा हुआ है पहला यूहन्ना दूसरा उसके 16 में. जॉर्ज ब्रदर ने भी बहुत बार कहा है ये. For all this is in the world, the lust of flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है. So here also we cannot do by own strength, but I have to depend on the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. तो यहाँ पे भी मैं अपने खुद के सामर्थ से कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ पर ही मुझे निर्भर रहना है. So I have to overcome the lust, flesh, and the boastful pride. तो मुझे जय पाना है जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड के ऊपर. So this is what Jesus also overcome in his entire life, and here he tempted in all level as we tempted, as we are tempting. तो हम भी देखते हैं यीशु मसीह ने भी अपने जीवन भर इन बातों के ऊपर जय पाया, और वो भी हमारे ही जैसे सारे बातों के द्वारा लुभाए गए थे. So if I want to the peace of God, I need to overcome these three things. अगर मुझे परमेश्वर की शांति चाहिए तो मुझे इन तीन चीजों के ऊपर जय पाना है. Also we know that we cannot serve two masters. इसलिए हम जानते हैं कि हम दो स्वामी की सेवा एक साथ नहीं कर सकते. So we have to overcome these three things, the lust of the flesh and lust of the eyes and boastful pride. तो हमें भी इन तीन चीजों के ऊपर जय पाना है, जो कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है. So what is the opposite of the peace? तो शांति के विरुद्धी शब्द क्या है? Something unrest. तो उसका विरुद्ध शब्द यह है कि बेचैन रहना. Or something noise. कुछ हमेशा आवाज होना. That's why I'm getting some irritation. तो उसकी वजह से मुझे चिड़चिड़ाहट होती है. So that is what, if I'm not peace with God, I will have all the noise, all the unrest, and all the unrest will get in my heart. अगर मेरे पास परमेश्वर की शांति नहीं है, तो सारी जो आवाज करने की बातें हैं, जो भी अशांति का जो भी वातावरण है, मेरे हृदय में रहेगा.
I have to be content what God provided to me. तो मुझे जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे दिया है उसमें संतुष्ट रहना है. Even the A.W. Dawson mentioned that God answered my all the prayers. From today onwards, God saying to me, I will not answer any prayer, but still I will worship God. तो यही A.W. Tozer कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुना. आज मैं कहता हूँ अगर प्रभु ने मेरी सारी प्रार्थनाओं को नहीं भी सुना, उत्तर भी नहीं दे उसका, तो भी मैं उनकी आराधना करूंगा हमेशा. Only one thing is enough. He saved me from the as a lusty sinner. तो एक ही चीज काफी है कि मैं इतना बुरा पापी था, उन्होंने उस चीज से मुझे उद्धार दिया है. But sometimes I am not content what I have, then I will have all the unrest and noise and the problem will come in our life. अगर जिस जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे दिया है उसमें मैं संतुष्ट नहीं रहता हूँ तो सारी जो आवाज, जो भी अशांति की बातें, बेचैनी की बातें, सारी चीजें मेरे जीवन में आ जाएंगी. That is what we see in the Israel people. तो यही बात हम देखते हैं इज़राइल जन पे. God given God done so many miracles and wonders and mighty hand God brought from the Egypt. तो हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए और उन्हें मिस्र में से निकाल कर बाहर लाया. But they are not content. परंतु वो उससे खुश नहीं थे. So that is what we read in Psalm chapter 106. तो यही हम पढ़ते हैं भजन संहिता 106 में. From 13 onwards I will read. 13 से मैं पढ़ूंगा. They quickly forget this work. They did not wait for his plan, but became lustfully greedy in the wilderness and put God to the test in the desert. So he gave them their request, but sent a wasting disease among them. Wasting means it's something unrest. हम देख पढ़ेंगे 13 वचन से इसका. परंतु वे जट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे. उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में ईश्वर की परीक्षा की. तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया. We can see they are lustfully greedy. तो हम देखते हैं उनकी जो लालसा थी, लालच से भरा हुआ मन. They are not overcome the world, the lust of pride and the lust of eyes and boastful pride. तो उन्होंने उस चीजों के ऊपर जय नहीं पाया था जो कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड. So God sent the unrest in their heart. तो इसीलिए परमेश्वर ने उनके हृदय में अशांति को भेज दिया. Because they are not content what God given to them. क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी उनको दिया था उस पर वो संतुष्ट नहीं थे. So the peace of God I required. Then I have to be content what I have. तो अगर परमेश्वर की शांति मुझे चाहिए तो परमेश्वर ने जो कुछ भी मुझे दिया है उससे मुझे संतुष्ट रहना है. One time the brother Zach mentioned the painting of peace. एक बार भाई जैक ने बताया जो एक चित्र है शांति के विषय में. So the competition is they have to draw the peace. तो वो ऐसी एक प्रतियोगिता था जिसमें एक उनको चित्र बनाना था शांति के ऊपर. So many people they are drawing the good nature, sun and beautiful the greenery. So many people are drawing like that. तो बहुत सारे लोग वो चित्र बना रहे थे जैसे कि जो हरियाली है, सूरज है, पूरा जो वातावरण है, उस सब चीजों को लेकर अच्छे से चित्र को बना रहे थे. But one man drawing like that. There was one bird in the mountain only. तो एक व्यक्ति ने चित्र ऐसा बनाया, एक पंछी रहता है वो पहाड़ में है. It was in the surrounding there are so many thunder and there are very, very dark and cloudy and so many the lightning. तो उसके चारों तरफ जो है अंधेरा होता है, बहुत ज्यादा जो है बिजली कड़कती है और भूकंप जैसा बहुत सारी बुरी बातें उसकी चारों तरफ हो रही थी.
But the bird was in the nest and under the mountain, and the bird was singing. तो वो अपनी जो घोंसला है, अपना जो घोंसला है, उसमें बैठी थी, उस पहाड़ के नीचे बैठी थी और गीत गा रही थी वो. That man who draw that man who that person only got the award. तो जो व्यक्ति ने उस चित्र को बनाया था, उसी व्यक्ति को अवार्ड मिला था, इनाम मिला था उसका. That is what the peace is something everything smoothful. तो शांति ऐसी बात है, सब कुछ अच्छे आराम से हो जाती है, सब कुछ. Very beautiful nature or very comfortable life or something, everything is no problem at all. It's not like that. तो बहुत ही आरामदायक जीवन, बहुत अच्छी वातावरण, बहुत अच्छी हरियाली है, ऐसा नहीं होता है. So in our life, so many trials and temptations, there are so many problems. The people will mock and there's so many laughing also there, but I should not lose my peace. तो हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं, समस्याएं और लोग हमारी हंसी मजाक उड़ाते हैं, बहुत लुभावनी बातें होती रहती है, परंतु मुझे मेरी शांति को खोना नहीं है. So that is what the bird singing, even though so many difficult in the situation surrounding, but the bird was singing joyfully. हम देखते हैं वो पंछी के चारों तरफ बहुत ही कठिनाई और बहुत समस्याओं से वो गुजर रहा है, तो भी वो एकदम खुशी से गीत गा रहा है. So that is what the songs also, it could come that time, that difficult time. तो इसीलिए गीत भी जो है वो कठिन समय में आता है. So that is what God spoke to me that I have to gain the peace of God in all my life. तो यही परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि परमेश्वर की जो शांति है मेरे जीवन में, उससे मुझे पाना है. So the God is giving wonderful promise that we read Romans chapter 16 verse 20. तो हम पढ़ते हैं रोमियो 16 उसके 20 वचन में, जो परमेश्वर ने सुंदर सा वायदा जो हमें दिया है. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of the Lord Jesus be with you. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पावों से शीघ्र कुचलवा देगा. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे. So the truth set you free. We no need to think anything. तो जो सच्चाई है वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, दूसरी किसी चीज के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है. So I just should know the truth. तो मुझे सिर्फ सच्चाई को जानना है. It will free all the knot and all the troubles, all the problems. तो वो मुझे सारे जो परेशानियां हैं, जो भी बंधन है, उसमें से मुझे स्वतंत्र कर देगा. I no need to crush any man or people in under my feet. I should crush under Satan only in my feet. तो मेरे पांव के नीचे मुझे कोई मनुष्य को या किसी व्यक्ति को नहीं रखना है, नहीं कुचलना है, मुझे सिर्फ शैतान को मेरे पैरों के नीचे कुचलना है. The God of peace in me, I will surely crush under some people only. I will not crush Satan. तो परमेश्वर की शांति मेरे पास नहीं है, तो मैं शैतान को मेरे पैरों के नीचे नहीं कुचलूंगा, परंतु कोई मनुष्य को मेरे पैरों के नीचे कुचल लूंगा. Because I will look around and I will complain the people. Because of this people, I am getting so many problem. Because that people only the ask me to fight. So I will give so many excuses and I will crush under my feet them only. तो मैं जो है चारों तरफ की परेशानियों को देखूंगा और उनकी जो बातें हैं वो देखूंगा, क्योंकि इनके द्वारा ही मेरे जीवन में इतनी परेशानी हो रही है, इनके द्वारा ही मैं ऐसे सब कर रहा हूँ, और मैं ऐसे सब कर मैं उन लोगों को ही मेरे पैरों के नीचे कुचलता रहता हूँ. So I have to gain the peace of God in all my life. तो मेरे जीवन में मुझे परमेश्वर की, मेरे पूरे जीवन में मुझे परमेश्वर की शांति को पाना है. I have to trust God in all my heart. तो मुझे परमेश्वर पर मेरे पूरे हृदय से मुझे विश्वास रखना है. I have to be overcome all the lust of flesh and lust of eyes and boastful pride. तो मुझे जो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन सारी चीजों के ऊपर जय पाना है. Surely the God of peace, the gift of God, will surely dwell in my heart, and I know I don't have any unrest, I don't have any noise, I don't have any regret also. फिर परमेश्वर की जो शांति है, जो वरदान है, मेरे हृदय में वास करेगा, फिर मेरे जीवन में कोई अशांति नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी. आमीन.